नमस्कार। देश अब पांचवें चरण के मतदान की तरफ बढ़ रहा है और 6 मई को पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश में जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है उनके बारे में अब मैं बात कर रहा हूं और वहां का जो समीकरण है, वहां का जो इतिहास है, वहां जो दिख रहा है अभी, उस सब के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। और सबसे पहले बात जो पांचवें चरण की सीटें हैं उसमें धौरहरा लोकसभा सीट की। अच्छा, ये लोकसभा सीट 2008 में एक तरह से परिसीमन के बाद बनी, तो सिर्फ 2 लोकसभा चुनाव यहां हुए हैं और शाहजहांपुर से ये कटकर बनी है। शाहजहांपुर वो सीट जो कांग्रेस के दिग्गज नेता जितेंद्र प्रसाद, उनकी अपनी सीट थी और उनके निधन के बाद 2004 में उस सीट से जितिन प्रसाद जो उनके बेटे हैं वो जीतकर संसद में पहुंचे और युवा तेज तरार मंत्री भी थे। और 2009 में जब शाहजहांपुर सुरक्षित हो गई तो उसके बाद वो धौरहरा लोकसभा सीट पर आए और इस सीट से वो जीतकर संसद में पहुंचे 2009 में। लेकिन 2014 में वो मोदी लहर आई जिसने बड़े बड़े दिग्गजों के जो समीकरण थे वो बिगाड़ दिए और यहां जितिन प्रसाद का भी समीकरण बिगड़ा और रेखा वर्मा यहां से जीत गई। रेखा वर्मा यहां जीती तो कुल उनको जो उस वक्त जो 2014 में कुल पड़े मत थे उसका 34% उनको मिल गया। और जो यहां 2014 के चुनाव में 2009 में सांसद बने थे जितिन प्रसाद वो चौथे स्थान पर चले गए थे। यहां दूसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी और तीसरे पर समाजवादी पार्टी रही, क्योंकि जितिन प्रसाद को मतलब 2.25 लाख से भी कम 1,70,000 कुछ मत मिले थे। और बसपा के प्रत्याशी थे वो दाऊद अहमद जो हारे थे रेखा वर्मा से, उनको 2,34,000 से ज्यादा और समाजवादी पार्टी के आनंद भदौरिया को लगभग इतने मत मिले थे, यानी दोनों को बसपा सपा को मिलाकर वो ज्यादा मत हो जाते थे। अब उसको मिला देंगे तो रेखा वर्मा उस वक्त हार जाती है अगर 2014 की हम बात करें, लेकिन उस वक्त दोनों अलग लड़े थे, अब दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या वो जो जीत थी रेखा वर्मा की वो हार में बदलेगी या किस तरह के समीकरण बदलेंगे। अब इसको अगर एक तरह से देखें कि दोनों एक हो गए हैं तो क्या बदला है, तो एक बड़ी चीज बदल गई है, प्रत्याशी बदल गया है। अब बहुजन समाज पार्टी ने अरशद इलियास को टिकट दे दिया है और चूंकि जितिन प्रसाद तो कांग्रेस के नेता हैं जो नाराज भी थे, बीच में तो ये भी चर्चा चल पड़ी थी कि जितिन प्रसाद क्या भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। 2 दिनों तक वो इस पर काफी एक तरह से कहें क्विज जैसा हो गया था, पॉलिटिकल क्विज जैसा पहली चल रही थी, लेकिन वो आखिर में नहीं गया और अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, यहां एक और है कि डाकू मलखान सिंह आप सब लोगों को याद होंगे, तो डाकू मलखान सिंह भी इसी धौरहरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं शिवपाल यादव की पार्टी से। वो कहते हैं कि ये सारे डकैत हैं, हम तो बागी थे, वो इस तरह से बात करते हैं मलखान सिंह। तो वो भी यहां चुनाव मैदान में है, अब देखना होगा कि वो कितना इस लड़ाई को बदलते हैं। और अगर ये बात करें कि धौरहरा लोकसभा सीट की जो 5 विधानसभा सीटें थी तो उन 5 विधानसभाओं में धौरहरा, कास्ता, मोहम्मदी, मोहाली और हरगांव, ये 5 की 5ों विधानसभा सीटें 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी, यानी 2014 के बाद 2017। अच्छा, इस सीट पर भी एक बड़ी रोचक घटना हुई थी। आप लोगों को संत कबीर नगर के सांसद शरद त्रिपाठी और वहीं के भाजपा के विधायक राकेश बघेल के बीच की वो शरद त्रिपाठी ने जिस तरह से जूते मार दिए थे और वो भी बाकायदा मंत्री भी थे उनके सामने, तो वो घटना तो आपको याद होगी, लेकिन यहां की घटना आपको ध्यान में नहीं होगी। यहां भी कंबल बांटने का कार्यक्रम चल रहा था, SDM भी थे और यहां जो सांसद है रेखा वर्मा और जो विधायक हैं वहां के विधायक के बीच में शशांक त्रिवेदी, तो उनके बीच में चप्पल चल चुकी है। तो ऐसा नहीं है, यहां एक तरह से कहें कि जो राजनीति की नीचे गिरने का जितना होता है, तो अब ये चप्पल चलाने वाली जो सांसद हैं रेखा वर्मा, अब इनको यहां की जनता फिर से संसद में भेजेगी क्या। और एक चीज और समझने की है, 2014 में मोदी लहर थी और 2014 में जो रेखा वर्मा है तो रेखा वर्मा को सहानुभूति लहर का भी फायदा मिला था 3 महीने पहले ही, मतलब दिसंबर 2013 के आसपास। वो उस वक्त उनके पति अरुण वर्मा का निधन हो गया, तो अरुण वर्मा तेज तरार नेता थे और बाद में ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और चुनाव लड़ी और जीत गई। तो अब ये एक चीज है कि जो 17 लाख से ज्यादा मतदाताओं वाली ये लोकसभा है, तो चूंकि यहां मजबूत नेता है वो, तो अब देखिए किस तरह से होता है, चूंकि समीकरण जो है वो इस तरह का बना हुआ है कि उसमें किसी के भी पक्ष में पड़ा जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर चूंकि कांग्रेस एक मजबूत, यहां जितिन प्रसाद उनकी विरासत रही है सब कुछ उस तरह से, तो वो कितना मजबूती से लड़ेंगे उसी से तय होगा कि रेखा वर्मा हो या अरशद इलियास हो या फिर जितिन प्रसाद, इनमें से कौन बाजी मारेगा और संसद पहुंचेगा।